सोशल मीडिया पर बैंगलोर छोड़ो और माइग्रेंट्स भागो ट्रेंड कर रहा है। दरअसल नाजरीन, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर के रिहायशी पिछले कई दिनों से भारी बारिश से परेशान हैं और मुनहदम हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर उतार रहे हैं। अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है, बैंगलोरियों का फ्रस्ट्रेशन शहर में रहने वाले तारकीन वतन यानी माइग्रेंट्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बैंगलोर में सार्फिन अब महाजरीन को निकालने के लिए सोशल मीडिया पर मुतहद हो गए हैं। उनका कहना है कि अगर सैलाब की वजह से बैंगलोर पसंद नहीं तो यहाँ क्यों रुके हुए हैं, यहाँ से निकल जाओ। एक यूज़र का कहना था कि जब मुसीबत में यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छे वक्त में भी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोलर्स एक दूसरे से भिड़ गए हैं, हर कोई शहर पर तनकीद कर रहा है और एक गिरोह है जो दिफा कर रहा है। अब बैंगलोर में रहने वाले महाजरीन का एक ग्रुप ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया है। एक सोशल मीडिया यूजर्स विराट राखी ने बैंगलोर पर ट्रोलिंग को माइग्रेंट माइंडसेट करार दिया और उन्हें दोहरे मौकफ के लोग करार दिया है। पोस्ट में उन्होंने कुछ तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर आप मुझसे मुश्किल में प्यार नहीं करते तो अच्छे वक्त में भी नहीं कर सकते। सारिफ ने शहर में सैलाब की तस्वीरों के साथ बाहर के मौसम की तस्वीर भी पोस्ट की हैं। वहीं एक और पोस्ट में कहा गया, बैंगलोर हमारा है, आपका नहीं, बराए करम अपनी रियासत में वापस जाएं। सुनो महाजिरों, तुम अपनी रोटी कमाने के लिए बैंगलोर आए हो, अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से निकल जाओ। ऐसे वक्त में जब सवाल हुकूमत MLA और BBMP से किया जाना चाहिए, इस दौरान एक तबके के जरिए उन सभी मामले का जिम्मेदार माइग्रेंट को ठहराया जा रहा है जो महज हंसी का मौजू है और कुछ नहीं। दहाइयों पुराने ड्रेनेज सिस्टम की तबाही, जल निकासी के चैनलों में रुकावट और लेक के ऊपर होने वाले इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के जिम्मेदार और हुकूमत से सवाल करने के बजाय किसी और के जिम्मेदार ठहराना समझ से बाहर है।